वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 2 का पार्ट 5 वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने सीखा था लगभग 53 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब उसके आगे हम लगभग 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, DOS DOS के किस संस्करण में चेक डिस्क कमांड को स्कैन डिस्क में बदल दिया गया है? ऑप्शन है ए 5.0, बी 5.2, सी 6.0, डी 6.2। तो इसका सही आंसर है 6.2। तो स्कैन डिस्क कमांड ड्राइव की जांच करने के लिए, किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्कैन डिस्क कमांड किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ फाइल ऑन डिस्क, बी एनालाइज हार्ड डिस्क एरर, सी डायग्नोज हार्ड डिस्क एरर, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल टेम्प टेक्स्ट को सी ड्राइव से ए ड्राइव में कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है ए कॉपी टेम्प टेक्स्ट टू ए, बी कॉपी सी टू ए कॉलन बैक स्पेस टेम्प डॉट टेक्स्ट, सी कॉपी सी कॉलन बैक स्लैश टेम्प डॉट टेक्स्ट ए कॉलन, डी ऑप्शन है कॉपी टेम्प सी टू ए। तो इसका सही आंसर है सी कॉपी सी कॉलन बैक स्लैश टेम्प डॉट टेक्स्ट ए कॉलन। अगला क्वेश्चन है, रैम स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ए सेकेंडरी स्टोरेज, बी रैंडम एक्सेस, सी वर्चुअल मेमोरी, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क पर एक स्पेस है जो रैम को भरे बिना सिस्टम को एक ही समय में बड़े एप्लीकेशन चलाने या अधिक एप्लीकेशन चलाने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया था? ऑप्शन है ए कैन थॉपसन एंड डेनिन रिचे ने, बी लिनस टॉलवाल्ड ने, सी बिल गेट्स ने, डी रिच मिनोर ने। तो इसका सही आंसर है ए कैन थॉपसन एंड डेनिस रिचे ने 1960 और 1970 के दशक में डेनिस रिची और कैन थॉपसन ने यूनिक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया था? ऑप्शन है ए कैन थॉपसन एंड डेनिस रिची, बी लिनस टॉलवाल्ड, सी बिल गेट्स, डी रिच मिनोर ने। तो इसका सही आंसर है बी। तो लिनक्स 1991 में टॉलवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? ऑप्शन है ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बी यूजर इंटरफेस, सी एरर डिटेक्शन, डी नेटवर्किंग। तो इसका सही आंसर है नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक से अधिक सीपीयू का उपयोग करता है? ऑप्शन है ए बैच प्रोसेसिंग, बी टाइम शेयरिंग, सी मल्टी प्रोग्रामिंग, डी मल्टी प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर है डी मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए MD कमांड का, बी MKDIR कमांड का, सी MDIR कमांड का, डी ए एंड बी दोनों का। तो इसका सही आंसर है डी ए और बी दोनों का, यानी न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड और MKDIR कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रन कमांड का, बी रीनेम कमांड का, सी आर नेम कमांड का, डी ए अथवा बी दोनों का। तो इसका सही आंसर है डी ए और बी दोनों का। अगला क्वेश्चन है, फाइल कंटेंट व्यू करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपी कॉन कमांड का, बी टाइप कमांड का, सी व्यू कमांड का, डी शो कमांड का। तो इसका सही आंसर है बी टाइप कमांड का। अगला क्वेश्चन है, एमएस डॉस में फाइल 1 एंड फाइल 2 को न्यू फाइल के साथ कंबाइन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए कॉपी प्लस फाइल 1 प्लस फाइल 2 प्लस फाइल 3, बी कॉपी प्लस फाइल 2 फाइल 1 प्लस फाइल 3, सी है कॉपी फाइल 3 फाइल 1 प्लस फाइल 2, डी कॉपी फाइल 1 प्लस फाइल 2 प्लस फाइल 3। इसका आंसर डी सही है कॉपी फाइल 1 प्लस फाइल 2 प्लस फाइल 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमांड समान नाम वाली सभी फाइलों को डिस्प्ले करता है लेकिन उनका एक्सटेंशंस अलग अलग हो सकता है? ऑप्शन है ए DIR फाइल नेम एब्स्ट्रैक्ट्स, बी DIR फाइल नेम डॉट EXT, सी DIR एब्स्ट्रैक्ट्स
file@trix.ext। तो इसका सही आंसर है ए dir file name @trix। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड का उपयोग .txt एक्सटेंशन की सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए dir file name @trix, बी dir file name .ext, सी dir @trix.sys, डी dir @trix.ext। तो इसका सही आंसर है डी। तो जो txt एक्सटेंशन की सभी फाइलें होती हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए dir@trix.ext फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमांड ट्री स्ट्रक्चर्स में फाइल्स सहित डायरेक्टरी लिस्ट को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है ए dir/s/f, बी tree/f, सी tree/s/f, डी dir/f। तो इसका सही आंसर है बी tree/f। अगला क्वेश्चन है, एमएस डॉस में कौन सी फाइल में इंटरनल कमांड होती है जो बूटिंग प्रोसेस के दौरान लोड होती है। ऑप्शन है ए lo.sys, बी msdos.sys, सी commanded.com, डी config.sys। तो इसका सही आंसर है सी commanded.com। अगला क्वेश्चन है, उन सिंबल्स को सेलेक्ट करें जिनका उपयोग फाइल नाम में किया जा सकता है। ए स्लैश का, बी कॉलन का, सी एस्ट्रिक्स का, डी नन ऑफ दीज का। तो इसका सही आंसर है डी नन ऑफ दीज। इसमें से किसी का भी फाइल का नाम देते समय प्रयोग नहीं किया जाता। फाइलों के नाम में बैक स्लैश कॉलन एट्रिक्स क्वेश्चन मार्क डबल कोटेड ग्रेटर देन और लेस देन इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। ए FAT16, बी FAT32, सी NTFS, डी FXT। तो इसका सही आंसर है FXT, जो एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में FAT16, FAT32 और NTFS, जबकि लिनक्स OS में EXT फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। FXT कोई फाइल सिस्टम नेम नहीं है। अगला है, विंडोज 10 में कॉमनली कौन सी फाइल सिस्टम उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए FAT16, बी FAT32, सी NTFS, डी EXT। तो इसका सही आंसर है सी NTFS। तो NTFS का पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए कॉपी का, बी डिस्क कॉपी का, सी चेक डिस्क का, डी फॉर्मेट का। तो इसका सही आंसर है बी डिस्क कॉपी का। अगला क्वेश्चन है, एमएस डॉस के संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी अगर हमें एमएस डॉस का वर्जन चेक करना है तो हमें क्या टाइप करना होगा। ऑप्शन ए वर्जन, बी वेरीफाई, सी VER, डी वर्जिन। तो इसका सही आंसर है सी VER। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ए माइक्रो, बी रीड, सी स्क्रिप्ट, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए OS का, बी यूनिक्स का, सी कर्नल का, डी यू नेम का। इसका सही आंसर है यू नेम का। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रिंट, बी PTR, सी IPR, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी IPR। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल में सम्मिलित कुल पंक्तियां, शब्दों और वर्णों को गिनने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए W काउंट का, बी काउंट W का, सी WC का, डी काउंट LW का। तो सही आंसर है सी WC का। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए RMDIR का, बी RDIR का, सी रिमूव का, डी डिलीट का। तो इसका सही आंसर है ए RMDIR का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का प्रकार नहीं है। ए अबंटू, बी रेड हैट, सी BSD, डी कैंटोस। तो इसका सही आंसर है सी BSD। तो BSD का पूरा नाम है ब्रेकलेस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस। यह एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि लिनक्स। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में कौन सा डिफॉल्ट फाइल सिस्टम का प्रकार है। ऑप्शन ए EXT, बी EXT2, सी EXT3, डी EXT4। तो इसका सही आंसर है
EHT4। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई फाइलों की सूची प्राप्त करने के लिए लिनक्स कमांड है। तो ऑप्शन ए /etc, बी /s, सी /hl, डी /al। तो इसका सही आंसर है बी /s। अगला है, लिनक्स में CLI का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कमांड लाइन इनपुट, बी कमांड लाइन इंटरप्ट, सी कमांड लाइन इंटरफेस, डी कमांड लोडेड इंटरफेस। तो इसका सी सही है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो CLI है इसका पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है, जो एक लाइन प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को निष्पादित करने के लिए टेक्स्ट इनपुट को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कार्य निर्देशक को दिखाने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए /dir/wr, बी /pwd, सी /ispwd, डी /sed। इसका सही है बी /pwd। अगला क्वेश्चन है, मानक आउटपुट यानी स्टैंडर्ड आउटपुट पर फाइल की सामग्री प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CT, बी CAT, सी TP, डी TST। तो इसका सही आंसर है बी CAT। अगला है, लिनक्स में एक्स विंडोज सिस्टम क्या है। ए कार्यक्रम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सी विंडोज के साथ लिनक्स कनेक्ट करने के लिए उपकरण है, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो एक्स विंडोज सिस्टम को पहली बार 1984 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CMPF, बी CMP, सी DIFF, डी HEAD हेड। तो इसका सही आंसर है बी CMP। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतीक का उपयोग एक लाइन में एक से अधिक कमांड को लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कॉलन का, बी स्लैश का, सी सेमी कॉलन का, डी कॉमा का। तो इसका सही आंसर है सी सेमी कॉलन का। अगला क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर को किस विंडोज संस्करण में जारी किया गया था। तो ऑप्शन ए विंडोज 95 में, बी विंडोज 3.1 में, सी विंडोज 98 में, डी विंडो XP में। तो इसका सही आंसर है बी विंडोज 3.1 में। अगला क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को हटाने की शॉर्टकट कीज क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+del, बी Alt+Shift+del, सी Shift+del, डी Ctrl+Shift+del। तो इसका सही आंसर है सी Alt+Shift+del। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में Alt+Ctrl+del का उपयोग करके क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए लॉक, बी स्विच यूजर, सी टास्क मैनेजर, डी ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है ऊपर के सभी। तो विंडोज 10 में Alt+Ctrl+del प्रेस करने से तीनों विकल्प दिखाई पड़ते हैं, ऊपर के, लॉक, स्विच यूजर और टास्क मैनेजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए मीगो OS, बी साइबियन OS, सी पाल्म OS, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। तो मीगो और साइबियन नोकिया द्वारा विकसित मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज हमने चैप्टर 2 से संबंधित सारे क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के बारे में प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों तरीके से सीखेंगे और लिब्रे ऑफिस कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं ये भी सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।